हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट एम टर्म्स इज इक्वल टू एन, यानी एसएम जो है वो एन की इक्वल है, एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज एम, यानी एसएन जो है वो एम के इक्वल है, मतलब सम ऑफ एम टर्म्स जो है वो एन के इक्वल है और सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो एम के इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है कि जो एम प्लस एन का जो सम है वो माइनस टाइम्स ऑफ एम प्लस एन है, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। यानी हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अगर हमें प्रूफ की बात करें, टू प्रूफ की अगर बात करूं, तो टू प्रूफ में हमें क्या दिखाना है, सम ऑफ एम प्लस एन जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ एम प्लस एन आएगा, ऐसा हमें कुछ प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका LHS लूं, यानी जो हमें प्रूफ करना है, तो उसका अगर मैं LHS पार्ट लूं और लिखूं S M प्लस N, ये किसके बराबर आएगा? अगर मैं S M प्लस N लिखूं तो क्या ये M प्लस N अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस एम प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, क्या ये इसके बराबर होता है? चेक कर लीजिए, क्या यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? ठीक है, अच्छा जी, तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें, तो अगर हम देखते हैं अब इसकी कंडीशन कहां से निकलेगी, तो उसके लिए हमें ये दो रिजल्ट दे रखे हैं। मतलब देखो, एक तो टारगेट डिसाइड करा कि यार कहीं ना कहीं पक्का ये सॉल्व होने के लिए यहां से कुछ हमें मिलने वाला है, तो वो कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। अगर मैं यहां पे सम का फॉर्मूला लगा दूं तो क्या आएगा, m अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 2 को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, और m का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो m का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2am आ जाएगा, प्लस एम का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एम ब्रैकेट में एम माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, और ये टू इधर पहुंच जाएगा, यानी टू एन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब और क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो इसमें इस एम को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस, फिर इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देंगे। एम का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एम हो जाएगा डी इज इक्वल टू टू एन, ठीक है, इतना आएगा। ध्यान से देख लो, ये हमने मान लिया ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, क्या है, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बड़े कलाकार होते हैं, कहते हैं सर एक बात बोले, हमने कहा बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, सर इस m का मल्टीप्लाई आपने इसमें तो कर दिया और इसमें कर दिया, d के साथ नहीं करा, सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, हमें बचपन से सिखाया गया ब्रैकेट ओपन करो तो सब में मल्टीप्लाई कर दो, सर आपने m का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया d में नहीं करा, तो ऐसे बच्चों से सावधान रहें, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो और 4 में करो, तो ये नहीं होता कि 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी कर लिया, मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 4 में भी कर लिया। अगर ऐसे बच्चे हैं कुछ तो वो सावधान रहें, ऐसी गलती ना करें, एक बार ही मल्टीप्लाई होता है, चाहे इससे कर लो अगर तुम्हारा मन है तो इससे कर लो, किसी एक से ही करोगे, दो दो बार नहीं करोगे, ठीक है। पर चले ऐसे करके आगे बड़े आराम में पेपर में कहते हो वाह, ठीक है, चलो ठीक है, अब इसमें आ जाओ, अब जरा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल इतना आ गया, इसको यहीं छोड़ते हैं, अब जरा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम, एन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टू ए एन, एन ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू का टू एम हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे भी एन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टू ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू टू एम, ये हमारी सेकेंड कंडीशन, दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे जरा इस फर्स्ट कंडीशन को और सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं, तो इस वाली सेकेंड कंडीशन को जरा इसके नीचे लिख लेते हैं, जो हमारी ये सेकेंड कंडीशन है ना उसको जरा फर्स्ट कंडीशन के नीचे लिख लो और सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा, टू ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस का एन इंटू डी इज इक्वल टू, ये 2m है तो ये 2m लिख लो, दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। क्या हमने ये दोनों कंडीशन लिख ली हैं? अब इन दोनों का, ये बच्चा लिख रहा है सर इतना हार्ड आ सकता है, ये आया हुआ है, आ सकता नहीं है,
आ चुका है, ठीक है, और जो आ चुका है वो तो आ ही सकता है। चलिए फिलहाल अब इन दोनों को जरा माइनस कर दीजिए, अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस, नेगेटिव कर दीजिए भाई, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये देखो 2am आएगा और ये माइनस का 2an आ जाएगा, प्लस यहां से तुम्हारा m स्क्वायर माइनस m इंटू डी आएगा और ये माइनस का n स्क्वायर माइनस का n इंटू डी आएगा, और राइट साइड में क्या आएगा 2n माइनस का 2m, 2n माइनस का 2m, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा आपका, ये आ गया 2n माइनस का 2m, कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, ऐसा रिजल्ट आने के बाद अगर बात किया जाए तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 2a कॉमन मिल रहा है तो m माइनस n आ जाएगा, इसमें और इसमें d कॉमन मिल रहा है, d कॉमन ले लो तो यहां से आएगा m स्क्वायर माइनस का m, इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉजिटिव n स्क्वायर है ये तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे 2 कॉमन ले लो तो n माइनस m हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है, समझ में आई होप सबको आ रहा होगा, ठीक है। अब है क्या, तो ये 2a m माइनस n प्लस, हमें बेटा इसमें फैक्टर करने हैं और फैक्टर इसमें डायरेक्ट नहीं होंगे, हमें इसमें वैसे फैक्टर करने हैं लेकिन फैक्टर डायरेक्ट होंगे नहीं, तो करें क्या भाई, जब फैक्टर नहीं होंगे तो हमें एक रीअरेंजमेंट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रीअरेंजमेंट, यानी कि m स्क्वायर और n स्क्वायर को हमें एक साथ क्लब कर देना है, ऐसे देना m स्क्वायर माइनस का ये n स्क्वायर एक साथ लिख लो, माइनस का m और प्लस का n अलग कर लो, इंटू d बराबर ट्वाइस ऑफ n माइनस का m, ऐसा लिख लीजिए आप, बिल्कुल दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है, तो 2a m माइनस n प्लस, अब इसके फैक्टर हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बचपन से सीखा है क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है बचपन में सीखा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b a माइनस का b, यही तो होगा, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। इन दोनों में माइनस कॉमन मिलेगा, माइनस कॉमन मिल गया तो क्या ये भी m पॉजिटिव हो जाएगा और n नेगेटिव हो जाएगा, भाई माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, ठीक है, और d आ गया बाहर और राइट साइड क्या है ट्वाइस ऑफ n माइनस का m, 2a m माइनस का n प्लस, क्या इस पाले ब्रैकेट में इधर भी m माइनस है इधर भी m माइनस n है, तो क्या मैं m माइनस n कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m प्लस n, ये कॉमन चला गया तो माइनस का वन बचेगा d, ये n माइनस m है, क्या हम इसको भी माइनस कॉमन लेके m माइनस n बना सकते हैं, तो माइनस का टू हो जाएगा और ये भी m माइनस का n बन गया। अब यहां भी m माइनस n है, यहां भी m माइनस n है और राइट साइड में भी m माइनस n है, तो पूरी इक्वेशन को आप m माइनस n से डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हो, अब यहां पे पूरी इक्वेशन को अगर मैं m माइनस n से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, यहां से 2a बचेगा, यहां से ये वाला टर्म बचेगा, यानी कि m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बचेगा, समझ रहे बात को, इक्वल टू, और यहां से m माइनस n डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, तो एक रिजल्ट हमें ये वाला मिल गया, ध्यान से देख लो ये रिजल्ट आ गया, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये थोड़ा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो ये क्या है फाइनल प्रोडक्ट हमारा, ये है फाइनल प्रोडक्ट जो कि है 2a प्लस का m प्लस n, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट है, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो ये क्या लिखा है, क्या लिखा है 2a प्लस का m प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, और ध्यान से देखो जो प्रूफ करना था उसको उठा के लाए, तो हमारा LHS था ये, तो क्या हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली है माइनस टू, यस और नो, तो m प्लस n अपॉन 2 और ये वैल्यू आई है माइनस का 2, 2 से 2 कट गया और ये माइनस पहले मिल गया, तो क्या ये प्रूफ हो गया, कितने बच्चों को समझ में आ गया भाई माइनस का m प्लस n हमारा आंसर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आया मजा इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया, तो भाई ये
दमदार क्वेश्चन था। मैं एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग कैलकुलेशन इसकी दोबारा से एक बार कर लेना, बड़ा क्वेश्चन था। देखो इसमें है क्या, हमें दो कंडीशन दे रखी थी, एक दे रखी थी सम ऑफ एम टर्म्स की और एक दे रखी थी सम ऑफ एन टर्म्स की। इनके फॉर्मूले अप्लाई करें, दो कंडीशन बनी हमारे पास, इन दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया। सॉल्व करते 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 हमें एक ये वाला रिजल्ट मिला है, ये वाला। ये रिजल्ट मिलने के बाद, जब हमें ये रिजल्ट मिल गया, इसको हमने यहां पे इस वाले में पुट कर दिया, माइनस का टू, माइनस टू से ये टू मतलब कट गया, माइनस टाइम्स ऑफ एम प्लस एन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।